दिल दहला देने वाली खबर मुरादाबाद से है, जहां बच्चों के साथ पतंग लूटने वाला 9 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। बच्चे को झुलसी हालत में उपचार के लिए परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। कटघर थाना क्षेत्र के भोलानाथ कॉलोनी का रहने वाला राजू मजदूरी करता है। राजू के परिवार में 9 वर्षीय बेटा विवेक और पत्नी रंजन है। बताया जा रहा है कि विवेक मोहल्ले के बच्चों के साथ पतंग लूटने के लिए रेलवे माल गोदाम में चला गया और वहां पर करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। बच्चे के करंट से झुलसने की जानकारी मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। बच्चों ने विवेक के घर पर भी जानकारी दी। घटना की जानकारी लगते ही बच्चे के परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना ये हुई थी, बच्चे के साथ पतंग लूटने गया और हम फेरी करने गए और वहाँ से हम लौट के आए आटा वाटा बेचने, और उसके बाद में देखा कि कहने लगे करंट लग गया बच्चे को। वहाँ से फिर हम भागते भागते आए। कहाँ कहाँ पर लगा करंट, कौन सी जगह? हाँ, ये तुम्हारे डीमेल में रेलवे स्टेशन, ये जो तुम्हारे रेलवे यार्ड जो आगे चलते हैं ना सर, ये गोदाम माल गोदाम की तरफ, माल गोदाम सीरीज वगैरह उधर। हाँ, वहीं पर सर की। अब कहाँ भर्ती कराया है? भर्ती यहीं कराए हैं, सिविल लाइन। गौरतलब है कि इस दौरान परिजनों में कोहराम मच गया।